रोड्स पर हथियार लेकर घूम रहे ये लोग किसी आतंकवादी संगठन का हिस्सा नहीं बल्कि आर्मी के सोल्जर्स हैं। जी हाँ, ये फोटोज हैं गैबोन की, जहाँ पिछले साल आर्मी ने यहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर तख्ता पलट करने की घोषणा कर दी थी। तख्ता पलट, जिसे मिलिट्री कू कहते हैं, एक समय इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में लोकतंत्र बचाने के लिए किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में हुए मिलिट्री कू दर्शाते हैं कि असल में मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है। और इसके सबसे ज्यादा उदाहरण मिलते हैं अफ्रीकन महाद्वीप में। वहीं अफ्रीका, जिसने भारत की आजादी के बाद भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाने की ओर कदम बढ़ाए थे, बट डेटा बताता है कि 1950 के बाद दुनिया में 486 बार मिलिट्री द्वारा तख्ता पलट करने की कोशिश की गई है, और इसमें से 214 कोशिशें सिर्फ अफ्रीका में हुई हैं। हैरानी की बात यह है कि 214 में से 106 कोशिशें सफल भी रही हैं। अमेरिकन रिसर्चर्स जोनाथन पॉवेल और क्लेटन थाइन के अकॉर्डिंग अफ्रीका के 54 में से 45 देशों ने 1950 से लेकर अब तक एटलीस्ट एक बार तख्ता पलट की कोशिश का सामना किया है। सिर्फ यही नहीं, पिछले कुछ समय में अफ्रीका के बाहर सिर्फ म्यांमार एक ऐसा देश है जहां पर तख्ता पलट की कोशिश हुई है। अफ्रीका की इस स्थिति का असर भारत के ऊपर भी पड़ता है। दरअसल इंडिया और अफ्रीकन देशों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, ऐसे में इंडिया को अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज का काफ़ी फायदा मिलता है। इसके बदले में इंडिया अफ्रीका को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करता है। अभी हाल ही में इंडिया के प्रयासों से ही अफ्रीकन यूनियन को G20 में मेंबरशिप मिली है। दूसरी तरफ अफ्रीका में बोको हराम, अलकायदा इन इस्लामिक मंगरेब, अल शबाब और लॉर्ड्स रेसिस्टेंस आर्मी जैसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन भी पनप रहे हैं, और इंडिया की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अफ्रीका एक अहम कड़ी होगा। लेकिन सवाल ये है कि अफ्रीका आज इस स्थिति में क्यों है कि लोकतंत्र का रास्ता चुनने के बावजूद आज वहां आए दिन मिलिट्री रूल देखने को मिलता है? क्या अफ्रीकन देश इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं, या फिर इसमें पश्चिमी शक्तियों का भी एक बड़ा हाथ रहा है? क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो अफ्रीका में हो रहे तख्ता पलट में रूस और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट रही है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर एक डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में किन अफ्रीकी देशों ने तख्ता पलट का सामना किया है। मिलिट्री कूस ओवर द ईयर्स। देखिए, यूरोपियन पावर से आज़ादी मिलने के बाद अफ्रीका ने जिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर आगे बढ़ना शुरू किया था, उन्हें वो ज़्यादा समय तक संजो नहीं पाया, और इसी वजह से लगभग वर्ष 2000 तक अफ्रीका ने एक के बाद एक कई तख्ता पलट की कोशिश को विटनेस किया। हालांकि 2000 के बाद मिलिट्री कू अटेम्प्ट के नंबर में डिक्लाइन देखा गया, पर अब एक बार फिर मिलिट्री कू अफ्रीका को अपनी चपेट में ले रहा है। अब मिलिट्री कू इतना कॉमन हो रहा है कि अफ्रीका के कू अफेक्टेड रीजन्स को एक स्पेशल जियोपॉलिटिकल टर्म कू बेल्ट से डिनोट किया जाने लगा है। कू बेल्ट में मिलिट्री कू की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है, और इसमें वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका और साहेल रीजन इंक्लूडेड है। यहाँ सिर्फ लगभग पिछले 3 साल में 7 मिलिट्री कू हुए हैं। अगस्त 2020, माली में प्रेसिडेंट इब्राहिम बुबाकर केइता के रिजिग्नेशन की डिमांड करते हुए नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि मालियंस के अकॉर्डिंग ये एक फेल्ड गवर्नमेंट थी जिनके राज्य में करप्शन से लेकर इंस्टेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स देश को घेर चुकी थी। ऐसे में माली के कर्नल असिमी गोइता की लीडरशिप में कंट्री के एग्जीक्यूटिव्स को अरेस्ट किया गया। फिर माली की मिलिट्री ने 2022 में सिविलियन रूल वापस लाने का प्रपोजल रखा था, लेकिन वो डेडलाइन जा चुकी है और अभी तक भी वहाँ इलेक्शंस नहीं हुए हैं। अप्रैल 2021, चाड में फ्रंट फॉर चेंज एंड कॉनकॉर्ड इन चाड नाम का एक राजनीतिक और सैन्य संगठन सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता था। सरकारी ट्रूप्स नॉर्थ में इन रिबेल्स के साथ जंग लड़ रहे थे। चाड के प्रेसिडेंट इद्रिस देबी अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए बैटलफील्ड विजिट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद चाड की आर्मी ने पावर को टेक ओवर कर लिया और चाड में सिविलियन रूल वापस लाने की कोशिश की जा रही है। सितंबर 2021, गिनी स्पेशल फोर्सेस के कमांडर कर्नल ममदी डोम्बोया ने प्रेसिडेंट अल्फा कोंडे को सत्ता से बाहर कर दिया।
दरअसल गिनी के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोंडे थर्ड टर्म के लिए प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे और इसीलिए कोंडे ने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलकर इलेक्शन में खड़े होने का रास्ता साफ करने का प्रयास किया। इससे पूरे देश में राइट्स शुरू हो गए और फिर आर्मी ने स्टेप इन किया और जिस तरह की कंडीशन माली, चाड और गिनी की है जहां मिलिट्री कू स्थापित है, उसी तरह की कंडीशन सूडान और बुर्किना फासो में है। और 2023 में ही नाइजर के प्रेसिडेंट मोहम्मद बाजोम को मिलिट्री ने ओवरथ्रो कर दिया। और अब इस लिस्ट में लेटेस्ट एंट्री है गैबॉन, जहां के मिलिट्री ऑफिसर्स ने यह कहते हुए पावर को टेक ओवर कर लिया कि यहां हुए इलेक्शन के रिजल्ट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आखिरकार अफ्रीका में इतने ज्यादा मिलिट्री को क्यों होते हैं। इसके टू मेन रीजंस हैं, एक्सटर्नल रीजंस और इंटरनल रीजंस। पहला एक्सटर्नल रीजन है सुपर पावर्स का अफ्रीका में इंटरफेरेंस। दोस्तों, सालों तक अफ्रीका गरीबी और भुखमरी की गिरफ्त में रहा है, जिसके चलते उसके लिए बड़े देशों की मदद लेना एक ज़रूरत बन गई। और दो देश ऐसे हैं जिनका अफ्रीका में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था, रूस और यूएस। इनके इंटरेस्ट के दो बड़े रीजंस हैं। पहला, अफ्रीका के बेशकीमती रिसोर्सेज। अफ्रीका के पास वर्ल्ड में यूरेनियम, डायमंड, प्लैटिनम और कोबाल्ट के वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं। सिर्फ यही नहीं, वर्ल्ड के टोटल गोल्ड रिजर्व्स का 40% और क्रोमियम और प्लैटिनम रिजर्व्स के 90% भी अफ्रीका में ही हैं। ऐसे में जैसे कि दूसरा रीजन है यूनाइटेड नेशंस जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट, क्योंकि अफ्रीका की 54 कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस में सबसे बड़ा इलेक्टोरल ग्रुप बनाती है। इसीलिए दोनों देश जल्द से जल्द अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज किसी एक देश की तरफ झुकना नहीं चाहती। उदाहरण के लिए, कुछ समय पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो पूरी दुनिया टू पार्ट्स में बट गई थी। जहां एक हिस्सा रूस का सपोर्ट कर रहा था, वहीं दूसरा हिस्सा रूस के विरोध में खड़ा था। लेकिन अफ्रीका ने इस पर न्यूट्रल अप्रोच अपनाया, जिससे न ही रूस को कोई प्रॉब्लम हो और न ही अमेरिका को। अब एक तरफ अमेरिका जहां अफ्रीका के रिसोर्सेज पर अपना कब्जा जमाने के लिए लगातार स्ट्रेटजीज बना रहा है, वहीं रूस यहां की लोकल पॉलिटिक्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए, 2023 में नाइजर में होने वाले तख्तापलट के लिए रूस की इंटरफेरेंस को काफ़ी हद तक जिम्मेदार माना जा रहा है, और रीज़न है अफ्रीका के यूरेनियम रिजर्व्स, जिससे रूस अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पावर के रूप में पोजिशन कर सकता है। वहीं माली और बुर्किना फासो के मिलिट्री कू में भी रूस सवालों के घेरे में रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि अपने इंटरेस्ट के चक्कर में फॉरेन पावर्स यहां स्टेबिलिटी चाहती ही नहीं है और उनका अफ्रीका में मिलिट्री कू करवाने में बड़ा हाथ होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आज अफ्रीका में रहने वाले लोग खुद मिलिट्री कू चाहते हैं और इस प्रोसेस को सेलिब्रेट करते हैं, तो आप शायद मेरा विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, अफ्रीका में होने वाले मिलिट्री कूस का मेजर रीजन इंटरनल भी है। सबसे पहला रीजन है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। अफ्रीका में डेमोक्रेसी के चलते समय समय पर इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि एक ही परिवार देशों को सालों से रूल कर रहा है। उदाहरण के लिए, गैबॉन में 1967 से एक ही पार्टी सत्ता पर काबिज थी। और अफ्रीका में पॉलिटिकल डायनास्टीज के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, चाहे वो केन्या की मोई फैमिली केन्यातास और ओडिंगास हो, टोगो में ग्नासिंग बेस हो, गैबॉन में बोंगोस हो, या घाना में अकूफो एड्डोस हो। अब रिपोर्ट है कि साउथ सूडान के प्रेसिडेंट सल्वा किर भी अपने बेटे को अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में टेक ओवर करने के लिए ग्रूम कर रहे हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अफ्रीका की राजनीति में परिवारवाद का बोलबाला है। इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिकल पावर एक ही फैमिली में कई साल तक कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। इसकी वजह से कंट्री का पॉलिटिकल रूल धीरे धीरे मोनार्कियल सिस्टम की तरह फंक्शन करने लगता है। एक ही परिवार से कंट्री को रूल करने वाले रूलर्स निकलते हैं और दूसरे किसी भी व्यक्ति की लीडर बनने की अपॉर्चुनिटी छिन जाती है। सिर्फ यही नहीं, ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि ऐसी सत्ता में काबिज फैमिली कंट्री के फंड्स को लूटने का काम करती है। इन डायनेस्टीज ने कंट्री को इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल टेंशन में धकेलने का काम किया है। इन्हीं रीजंस की वजह से अफ्रीका के देशों में जनता का इलेक्शन प्रोसेस से भरोसा उठता जा रहा है, और एक डायनेस्टिक फैमिली से रूल होने के बजाय उन्हें मिलिट्री के द्वारा रूल किया जाना ज्यादा पसंद आता है। दूसरा रीजन है वीक गवर्नेंस और करप्शन।
2023 की ग्लोबल गवर्नेंस एफिशिएंसी रैंकिंग को अगर देखेंगे तो पता चलता है कि 120 रैंक तक ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज नहीं हैं और मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज इस लिस्ट में काफ़ी नीचे रैंक करती है। अच्छी गवर्नेंस ना होने की वजह से इन अफ्रीकन कंट्रीज़ की रूलिंग पार्टीज़ पॉपुलेशन को बेसिक नेसेसिटीज़ भी डिलीवर नहीं कर पाती। इसके अलावा रैम्पेंट करप्शन की प्रॉब्लम भी लोगों को फेस करनी पड़ती है। इसकी वजह से कंट्री के जो रिसोर्सेज लोगों की भलाई के लिए लग सकते हैं उन रिसोर्सेज पर यहाँ के लीडर्स कब्जा कर लेते हैं और इन्हें ऐसा करने में रूस और अमेरिका जैसी पावर्स भी सपोर्ट करती हैं। इन सब का रिजल्ट होता है सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और ख़राब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ऐसे में लोगों को ऑर्डर और स्टेबिलिटी रिस्टोर करने के लिए मिलिट्री एकमात्र वायबल ऑप्शन लगती है और जब मिलिट्री तख्ता पलट करके पावर को कैप्चर करती है तो फिर लोग कुछ इस तरह से उसकी खुशी मनाते हैं। तीसरा रीज़न है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। रूलिंग पार्टीज द्वारा इतना एक्सप्लॉयट होने के बाद पिछले कुछ सालों में यहाँ की पॉपुलेशन के लिविंग स्टैंडर्ड में भारी गिरावट आई है। गरीबी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जिसकी वजह से लोग खाना और घर जैसी बेसिक नेसेसिटी को भी अफोर्ड नहीं कर पाते। यहाँ पर वेल्थ भी बहुत अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसकी वजह से कंट्रीज़ की कुछ परसेंटेज पॉपुलेशन मेजॉरिटी वेल्थ को होल्ड करती है। इसके अलावा एजुकेशन पर भी यहाँ की गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस नहीं रहता। जब सिविलियन गवर्नमेंट इन सभी चैलेंजेस को एड्रेस करने में फेल हो जाती है तो मिलिट्री के पास इंटरवीन करने की अपॉर्चुनिटी आती है और फिर मिलिट्री पब्लिक के डिसकंटेंट का फ़ायदा उठाकर तख्ता पलट करती है और अपने रूल के अंदर स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का प्रॉमिस करती है। मिलिट्री द्वारा किए जाने वाले ये प्रॉमिसेस पब्लिक को इस तरह के मिलिट्री को सेलिब्रेट करने का मौका देती हैं। एक और रीज़न है मिलिट्री में लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। दरअसल अफ्रीका की ज़्यादातर कंट्रीज़ में मिलिट्री ऑपरेशन के ऊपर कोई सिविलियन नज़र नहीं होती। उदाहरण के लिए इंडिया, जहां पर आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ब्रांचेस के ऊपर एक सिविलियन अथॉरिटी प्रेजेंट है जो है इंडिया के प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं जिनके आदेश के बिना कोई भी आर्मी वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकती। लेकिन अफ्रीका में मिलिट्री इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है जिसकी वजह से सीनियर ऑफिसर के पास करप्शन करने और पावर का मिसयूज़ करने की पूरी आज़ादी होती है। इस कल्चर की वजह से मिलिट्री में अथॉरिटी मेंटेन करने की भावना का डेवलप होना आम बात है और इस रीजन की वजह से मिलिट्री कू का इस्तेमाल करके सोसाइटी में अपनी प्रिविलेज्ड पोजीशन को मेंटेन करने का काम मिलिट्री करती है। और आसान भाषा में कहें तो इन सभी रीजंस की वजह से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहां मिलिट्री इंटरवेंशन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कंक्लूजन, लेकिन आखिर इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? इन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए और अफ्रीका को मिलिट्री के प्रभाव से बाहर निकालने के लिए एक मल्टी डिमेंशनल अप्रोच की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे पहले डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि पॉपुलेशन का गवर्नमेंट और इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो सके। साथ ही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को ख़त्म करने की दिशा में भी कदम बढ़ाने होंगे ताकि सभी लोगों के पास कंट्री को लीड करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। इंक्लूसिव गवर्नेंस को प्रमोट करना होगा ताकि किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन का हर हिस्सा अपने आप को मेनस्ट्रीम डेवलपमेंट के साथ जोड़ सके। करप्शन को टैकल करना होगा ताकि ज़्यादातर रिसोर्सेज का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए हो सके, और साथ ही सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को भी रिमूव करने के प्रयास करने होंगे ताकि लोगों में असंतोष की भावना को दूर किया जा सके। इन सब सॉल्यूशंस पर काम करने के बाद ही अफ्रीका मिलिट्री कू की विशेष साइकिल से बाहर निकल पाएगा और फिर अफ्रीका में स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के एक नए सूरज का उदय होगा। नहीं तो ग्लोबल पावर्स यहाँ अपने इंटरेस्ट्स के लिए यहाँ पर इंस्टेबिलिटी को प्रमोट करते रहेंगे जिसकी वजह से यहाँ मिलिट्री कू होते रहेंगे। अफ्रीका में इन सभी प्रॉब्लम्स का एंड हो, इसी उम्मीद के साथ हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अफ्रीका की स्थिति के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।